अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम मैथ सीखेंगे क्लास सिक्स। क्लास सिक्स है और हमारी बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। मेकिंग मैथ्स इजी आज हमारा जो चैप्टर नंबर है यूनिट नंबर फोर इंटीजर्स, और आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर फोर ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, यूनिट नंबर फोर इंटीजर्स ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं यहाँ पे। नंबर वन पे है डिफाइन इंटीजर्स। डिफाइन इंटीजर्स के हमारे पास इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन है। इंटीजर्स हम किन्हें कहते हैं, कौन से नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। डिफाइन इंटीजर्स तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। फर्स्ट, द होल नंबर्स जो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, वो नंबर्स जो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, द होल नंबर्स हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ज़ीरो एंड द नेचुरल नंबर्स। क्योंकि हमारे पास होल नंबर्स में फर्स्ट पे ज़ीरो आ जाता है एंड नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं। द होल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स, ये हमने लिखे टुगेदर, इकट्ठे आएंगे हमारे पास टुगेदर, इसमें ज़ीरो भी आएगा और नेचुरल नंबर्स भी शामिल होंगे। स्टूडेंट, द होल नंबर ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स, जिनमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, विद द नेगेटिव नंबर्स और कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स आ गए और टुगेदर विद द नेगेटिव नंबर्स और कॉल्ड इंटीजर्स, हम उनको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स कहेंगे उन नंबर्स को। तो ऐसे नंबर जो ज़ीरो भी हो, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब इसमें हम डिनोशन बताएंगे किससे डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे हम, द सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय The set of integers denoted by Z, capital Z से हम इसको denote करते हैं। That is, उसमें हमारे पास numbers क्या क्या आ जाएंगे, हम वो लिखेंगे। Z is equal, हमारे पास numbers आ गए 0 प्लस माइनस वन। यानी कि प्लस माइनस वन का क्या मतलब है कि प्लस वन भी इसमें शामिल है और माइनस वन भी इसमें शामिल है। Z is equal 0 प्लस माइनस वन, ये हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ की यहाँ पे, मिडल ब्रैकेट, प्लस माइनस वन, प्लस वन भी है इसमें और माइनस वन भी इसमें शामिल है। इसी तरह कॉमा, प्लस माइनस टू, प्लस टू भी इंक्लूड है और माइनस टू भी इसमें शामिल है। प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, अप टू सो ऑन, कैरी ऑन। इसका मतलब है कि हमारे पास प्लस माइनस फोर के बाद प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सिक्स आएगा, प्लस माइनस सेवन, अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर्स। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, इंटीजर्स। ऐसे नंबर जिसमें ज़ीरो भी शामिल हो, पॉजिटिव नंबर्स भी सारे आए उसमें और नेगेटिव नंबर्स भी उसमें शामिल हो, तो उनको बोलते हैं इंटीजर्स। नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर टू। वट इज़ डिफरेंस बिटवीन कि दोनों में डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या फ़र्क है, हम ये फ़र्क वाजिया करें। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स बताएंगे। पॉजिटिव नंबर की क्या डेफिनेशन है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हम इनको इंटीजर्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स। द नेचुरल नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट हों, नेचुरल नंबर्स हैं
द नेचुरल नंबर्स गिवन ऑन द नेचुरल नंबर्स गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो द नेचुरल नंबर्स गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऐसे नंबर जो जीरो के राइट साइड पे हों वो क्या होंगे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे हम फिगर वाजा कर देते हैं कि हमारे पास एक लाइन है ये हमने लाइन ड्रॉ की ये हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जबकि राइट साइड पे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे इसी तरह हम नेगेटिव इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखेंगे ये थी पॉजिटिव इंटीजर्स हम लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स द नेचुरल नंबर्स गिवन लिखेंगे द नेचुरल नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पे होंगे जीरो के और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड द नेचुरल नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो द नेचुरल नंबर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो एट इक्वल इंटरवल्स एट इक्वल इंटरवल्स इसका क्या मतलब है हमारे पास वन के बाद माइनस वन फिर हमारे पास माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल इंटरवल्स में इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स ये हमने नेगेटिव इंटीजर्स ये हमने दोनों में डिफरेंस वादे किया कि पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हैं ऐसे नंबर जो ज़ीरो से राइट साइड पे हों ज़ीरो के वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स जो ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे आएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स write the set of positive integers write the set of positive integers यानी कि जो positive integers हैं positive numbers हैं उनका set लिखें तो हम integers को C से denote करते हैं ये हमने Z लिखा capital अब हमने positive number लिखने हैं तो हम 0 के top पे यहाँ पे side पे right side पे लिखेंगे positive यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल ये हमने मिडल ब्रैकेट यूज की अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं प्लस वन है प्लस टू ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स अप टू सो ऑन यानी कि प्लस सिक्स के बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन और आगे काउंटिंग प्लस वाली काउंटिंग हमारे पास आगे कैरी ऑन चलती रहेगी ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जी पॉजिटिव उसमें हमारे पास नंबर्स आए प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अप टू सो ऑन अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है स्टूडेंट इज ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इज ज़ीरो पॉजिटिव और इज ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के बताएं ज़ीरो एक पॉजिटिव इंटीजर है या ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर्स है क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर फोर इज ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर है या ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर है तो ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव
नॉर नेगेटिव, ज़ीरो ना ही हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ज़ीरो ना ही हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास क्या है, राइट थ्री इंटीजर्स, राइट क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट थ्री इंटीजर्स, राइट थ्री इंटीजर्स लेस देन माइनस फाइव। लेस देन यानी कि जो माइनस फाइव से छोटे होंगे। हमने तीन इंटीजर्स लिखने हैं, थ्री इंटीजर्स जो कि लेस देन है माइनस फाइव से। ऐसे तीन नंबर्स लिखें, ऐसे तीन इंटीजर्स लिखें जो माइनस फाइव से छोटे हों। तो अब हम वो इंटीजर्स लिखेंगे, थ्री इंटीजर्स। तो माइनस फाइव से हमारे पास स्मॉल क्या है, माइनस सिक्स। जो माइनस नंबर्स हैं वो हमारे पास स्मॉल टर्म्स होती हैं। माइनस फाइव के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस सिक्स स्मॉल नंबर, माइनस सेवन और माइनस एट। ये किस तरह से कि स्टूडेंट हम यहाँ पे फिगर एक ड्रा करते हैं। ये हमने लिखा क्योंकि नेगेटिव नंबर ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे हैं, नेगेटिव नंबर ज़ीरो की, ये हमने ज़ीरो लिखा लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारे पास माइनस वन, ज़ीरो से जो स्मॉल है वो माइनस वन है, फिर उससे छोटा नंबर माइनस टू, फिर उससे छोटा नंबर क्या है माइनस थ्री, उससे छोटा नंबर माइनस फोर, उससे छोटा नंबर हमारे पास माइनस फाइव। इसी तरह माइनस फाइव के बाद हमारे पास छोटा नंबर क्या आएगा, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि राइट थ्री इंटीजर्स लेस देन माइनस फाइव, माइनस फाइव से छोटे तीन इंटीजर्स लिखें। तो ये हमने ज़ीरो के छोटा, ज़ीरो से छोटा नंबर माइनस वन, माइनस टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव, इस तरह हमने नेगेटिव सिक्स, नेगेटिव सेवन और नेगेटिव एट लिखे, ये हमने नंबर लिखे। तो माइनस फाइव के बाद हमारे पास स्मॉल नंबर्स कौन से हैं, माइनस सिक्स, माइनस सेवन और माइनस एट, ये हमारे पास तीन नंबर्स। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, ये स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 4A में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखने लगे हैं। तो डेफिनेशन है न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। From zero on the number line. ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इसमें तमाम पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी नंबर्स हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा उसको एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे नंबर है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल भी शो करेंगे, एक नंबर हमारे पास माइनस फाइव है। जब हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे, ये हमने एब्सोल्यूट लाइन शो की, तो ये नेगेटिव नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव फाइव में। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव फाइव में आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको डिनोट करना है। ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन लिखी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 था। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे। ये हमारी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर वन पे है इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डैश लाइन। नंबर वन है
इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डैश लाइन, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन, क्या हमारे पास डैश में आएगा, नंबर लाइन, नंबर लाइन, इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर सेकेंड, ऑन नंबर लाइन पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ डैश, ऑन नंबर लाइन पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ डैश। तो जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट डेफिनेशन में बताया कि पॉजिटिव नंबर्स ज़ीरो के राइट साइड पे हम लिखते हैं, ज़ीरो के राइट साइड पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइट साइड ऑफ ज़ीरो, राइट साइड ऑफ ज़ीरो। नंबर थ्री, द एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 14 इज, तो जो वैल्यू एब्सोल्यूट में आ जाए वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 14 इज प्लस 14, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 14 इज प्लस 14। नंबर फोर, फाइव इन एब्सोल्यूट फॉर्म कैन बी रिटन एज, फाइव इन एब्सोल्यूट फॉर्म कैन बी रिटन एज, तो हम एब्सोल्यूट फॉर्म में किस तरह फाइव को राइट करते हैं, मॉड शो करके, दोनों साइड पे हम लाइंस लगाते हैं, इनको बोलते हैं मॉड। फाइव के दोनों साइड पे हम क्या शो कर देंगे, लाइंस, तो ये हमारे पास क्या है, मॉड। फाइव इन एब्सोल्यूट फॉर्म कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ फाइव। आगे हमारे पास नंबर सिक्स, सॉरी नंबर फाइव है, ज़ीरो इज डैश देन माइनस फाइव, ज़ीरो इज डैश देन माइनस फाइव, तो ज़ीरो हमारे पास ग्रेटर नंबर है माइनस फाइव से, क्योंकि माइनस फाइव से ज़ीरो पहले आता है, तो ज़ीरो के आसपास हमारे पास ग्रेटर नंबर, ज़ीरो इज़ ग्रेटर, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन माइनस फाइव, ये हमने लिखा, ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन माइनस फाइव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, एनी इंटीजर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई डैश, एनी इंटीजर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई डैश, कि हमारे पास कोई इंटीजर किस टर्म से डिवाइड नहीं होगा, वो हमारे पास आएगा ज़ीरो, एनी इंटीजर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ये हमने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व की। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर सी, नेक्स्ट हमारे पास नंबर सी पार्ट है, इसमें टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर वन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 11, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 11 इज, तो हमारे पास माइनस 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 11, किसमें आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, खत्म। मॉड वैल्यू क्या कर देगी हर नंबर को, पॉजिटिव, तो हम आएगा द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव 11 इज पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव कहाँ है, नंबर ए माइनस 1 है, नंबर बी में प्लस 1 है, नंबर सी में पॉजिटिव 11 है, तो हम नंबर सी को टिक करेंगे, सी में क्या हमारे पास 11 पॉजिटिव, तो हम सी वाले बॉक्स को टिक करेंगे। नंबर सेकेंड, द आंसर ऑफ माइनस 3 प्लस इंटू माइनस 5 इज, द आंसर ऑफ माइनस 3 प्लस इंटू माइनस 5 इज, दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, माइनस 3 इंटू प्लस इंटू माइनस 5, तो है हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 3 प्लस, ये आ गया हमारे पास माइनस 3 प्लस इंटू माइनस 5, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, इसमें माइनस 3 एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस, माइनस लिखा हमने 5, अब दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 8, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो ये हमने यहाँ पे नेगेटिव शो किया, माइनस 8, तो अब हम देखेंगे माइनस 8, नंबर ए में है माइनस 2, नंबर बी पे प्लस 8, सी में हमारे पास माइनस 8 है, और डी में हमारे पास माइनस 15, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन माइनस 8, ये हमने सी ऑप्शन में टिक किया। नंबर थ्री, द आंसर ऑफ माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 1 इज, द आंसर ऑफ माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 1 इज, नंबर थ्री है ऑप्शन, द आंसर ऑफ माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 1 इज, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 1, दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 लिखा हमने, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस 2 आ गया।
तो नंबर वन में माइनस थ्री है, बी ऑप्शन में माइनस टू, सी ऑप्शन में हमारे पास प्लस टू और डी ऑप्शन में हमारे पास है प्लस थ्री। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, माइनस टू, जो कि बी ऑप्शन है माइनस टू। नंबर फोर, द क्वेश्चन ऑफ माइनस 18 डिवाइडेड बाय प्लस 3 इज द क्वेश्चन ऑफ माइनस 18 डिवाइडेड बाय प्लस 3। दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, माइनस 18 को डिवाइड करेंगे प्लस 3 के साथ, माइनस 18 डिवाइडेड बाय प्लस 3। सबसे पहले हमने माइनस प्लस, हमारे पास माइनस आ गया, डिवाइड के फर्स्ट पे 18 है वो हमने पहले लिखा, 3 हमने डिवाइड लाइन के नीचे लिखा। अब इसको कटिंग करेंगे, 3 वन द 3, 3 सिक्स टाइम 18, 3 वन द 3, 3 सिक्स टाइम 18, तो आंसर हमारे पास आया माइनस 6। अब हमारे पास माइनस 6 डी ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन प्लस 10 है, सेकंड ऑप्शन प्लस 6, थर्ड ऑप्शन है माइनस 9 और फोर्थ ऑप्शन माइनस 6, तो ये डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमने टिक किया। लास्ट वन, 5, डैश इज़ नॉट अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, डैश इज़ नॉट अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, तो हमारे पास आंसर क्या है, 0, जो कि ए ऑप्शन में है, ये हमने ए ऑप्शन वाले बॉक्स में टिक किया, 0 इज़ नॉट अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हमने टिक द करेक्ट आंसर किया। ये हमारी आज की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज थी, चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। इसमें हमने डेफिनेशंस की, सेकंड में हमने फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व की और थर्ड वन टिक द करेक्ट आंसर सॉल्व किए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।